नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत। इससे पहले हम दो क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो कृपया वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए करते हैं वीडियो की स्टार्ट। हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना पड़ेगा कि जो मिनट की सुई है वो 5 मिनट में कितने का कोण बनाएगी। यदि हम 12 है और 1, ये 2 और ये 3, सपोज करिए मिनट की सुई यहां पर है, 12 पर है और 5 मिनट में यहां पर आ जाएगी, 5 मिनट में यहां पर आ जाएगी, यानी कि इतना एंगल तय करेगी 5 मिनट में। अब हमें ये एंगल तय करना है कितना एंगल होगा। हम जानते हैं कि पूरे सर्किल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। और ये जो मिनट के जो संकेत होते हैं ये 12 होते हैं, कुल मिलाकर कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये इसको 12 भागों में डिवाइड करेगा। हम इसको 12 से भाग करेंगे, 12 दिए 36, यानी कि कितना हो जाएगा ये, 30 डिग्री। तो हमारा ये जो कोण बचेगा ये कितना बनेगा, 30 डिग्री। आई होप आपको ये एंगल समझ में आया होगा कि कितना एंगल 5 मिनट में जो घड़ी की सुई है वो 30 डिग्री का बनाएगी। अब ये 30 डिग्री के एंगल बनाने में कितना क्षेत्रफल तय किया, हमें ये ज्ञात करना है, यानी कि हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, थीटा हमारे पास 30 है बटे 360, पाई के मान ऐसे ही रखेंगे हम, आर का मान क्या है हमारे पास 14 है, पाई को हम 22/7 कर लेंगे, 22/7 और 14 गुणा 14 है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा ये, 12 बार। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से इसको 2 से करेंगे इसको डिवाइड, ये 3 बार जाएगा और ये 11 बार। तो ऊपर क्या बचेगा, 14 है गुणा 11, नीचे क्या बचेगा, बटे 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1 5 4 बटे 3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 15 और 3 1 3 0.33, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।